कोटा के संतोषी नगर इलाके में शराब की चार दुकानों को हटाने की मांग को लेकर जारी महिलाओं का धरना आखिरकार 11वें दिन खत्म हो गया। आबकारी विभाग और जिला प्रशासन ने इस प्रदर्शन के चलते चारों दुकानों को वहां से हटाने का निर्णय ले लिया। प्रशासन के इस निर्णय के बाद महिलाओं ने अपने जीत की खुशी मनाई है, तो वहीं समाज सेवी पूजा छाबड़ा भी महिलाओं की खुशियों में शामिल होने के लिए कोटा पहुंची। और इस दौरान पूजा छाबड़ा ने बताया कि महिलाओं का यह संघर्ष काबिले तारीफ है, जिन्होंने समाज की बुराई को हटाने के लिए ये लड़ाई लड़ी है। आज जो जीत हुई है वो संतोषी नगर की महिलाओं की जीत हुई है और हमारे शराबबंदी आंदोलन को बल मिला है, और इसके लिए धन्यवाद मैं कुलदीप राका जी को और निरंजन आर्या जी को करना चाहूंगी, जो प्रशासनिक अधिकारी है जिन्होंने मेरी समस्या को समझा और सीएमओ हाउस में मीटिंग करने के बाद उन्होंने ये आदेश जारी किए। मैं महिला शक्ति को सल्यूट करना चाहूंगी कि जिन्होंने 11 दिन तक तपस्या की, अपना धरना दिया और केवल सामाजिक बुराई शराब को बंद कराने के लिए, क्योंकि एक महिला ही महिला का दुख समझ सकती है। मुझे मालूम है शराब के कारण आए दिन यहाँ अपराध हो रहे थे, यहाँ पे 17 साल के बच्चे का मर्डर हो चुका था और यहाँ पे आने जाने पर महिलाओं पर कितनी तरह की गाली गलौज की जाती थी, उनसे गलत बर्ताव किया जाता था, जिसके कारण महिलाओं को मजबूर होकर चाहे तपती धूप हो चाहे गर्मी हो उनको ये आंदोलन करना पड़ा। आपको बता दें कोटा से खबर, जहां शराब की दुकानों को हटाने की मांग को लेकर लगातार 11 दिन से महिलाओं ने धरना दे रखा था और आखिरकार इन दुकानों को यहां से शिफ्ट कर दिया गया है।